हेलो एवरीवन, मैं ताड़ी रजनी मैम। उम्मीद करती हाँ तुसी सारे ठीक होवोंगे। आपां लास्ट वीडियोज़ दे विच साइंस का क्लास 10th का फस्ट चैप्टर कीता सीगा, तो उन्दे रिलेटेड ही आपां नैक्सट टॉपिक करांगे, टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शन। लास्ट वीडियोज़ दे विच आपां कैमिकल रिएक्शन, कैमिकल इक्वेशन उन्हूं बैलेंस करना सीखा सीगा। जिन्ना बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखिया वो पहला वालिया दो वीडियोज़ देख लैन एंड नैक्सट डे वाली वीडियो देखन, ता जो कि तुहानू ये वाला जिहड़ा टॉपिक आ वो ईजली समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं रसायनिक क्रियावां दीआं किस्मां, टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शनस। कैमिकल रिएक्शनस अपने कोल पांच तरह दीआं वा, फाइव टाइप्स आ। फस्ट इज कंबीनेशन रिएक्शन, संयोजन क्रिया। सैकेंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन क्रिया। थर्ड डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन क्रिया। फोर्थ डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, दूरा विस्थापन क्रिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आक्सीकरण अते लघुकरण। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं, फाइव टाइप्स या कैमिकल रिएक्शंस ने। फर्स्ट इज कंबीनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये फाइव टाइप्स नूं आपां वन बाय वन डिस्कस करांगे। फर्स्ट इज कंबीनेशन रिएक्शन, संयोजन क्रिया। कंबीनेशन वर्ड का मीनिंग की है कंबाइन करना, जोड़ना। तो कंबीनेशन रिएक्शन संयोजन क्रिया की होगी, वो क्रिया जिस विच दो जा दो तो ज़्यादा पदार्थ मिलके एक नवा पदार्थ बनाएंगे, जा आप इंग्लिश दे विच की कह सकते हैं कि टू और मोर दैन टू सबस्टांस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। के दो जां दो तो वध पदार्थ सबस्टांस जो मिलनगे तो एक नवा पदार्थ बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड इन द नेम की अ क्विक लाइम अणबुझिया चूना प्लस वॉटर, आप पानी पावांगे तो की बनूगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइन बुझिया चूना प्लस हीट एनर्जी। तो इन्हें विच हुण अपने कोले अभिकारक की आ, रिएक्टेंट किन्ने आ, दो सी ए ओ एच टू ओ, रिएक्टेंट दो आ, प्रोडक्ट किन्ने आ, एक। इट मीनस कि जिहड़े दो रिएक्टेंट आ, दो पदार्थ आ, इन्होंने मिल के एक नवा प्रोडक्ट बनाता, नवा पदार्थ बनाता, तो इट मीनस कि रिएक्शन आ कंबीनेशन रिएक्शन। तो कंबीनेशन रिएक्शन की होगी जिस विच दो जां दो तो ज़्यादा सबस्टांस मिल के एक नवा सबस्टांस बनाएंगे, उस रिएक्शन नूं आपां की कहांगे कंबीनेशन रिएक्शन। इहदे विच तुसीं देख रहे होवोंगे कि इत्थे हीट एनर्जी लिखा होया एंड ते, इट मीनस जदों ये रिएक्शन होई तां हीट इवोल्व होई, हीट आ जिहड़ी ओह बाहर निकली। तो इवें दी रिएक्शन जिंदे विच हीट बाहर निकले, ताप बाहर निकले, तो उसनू आपां की कहने आ ताप निकासी क्रिया, एग्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इट मीनस जो अपने को कंबीनेशन रिएक्शन आ जिंदी आपां एग्जाम्पल लई हुई है, ये एग्जोथर्मिक रिएक्शन भी आ ते कंबीनेशन रिएक्शन भी आ। तो हम आपां एग्जोथर्मिक रिएक्शन नू थोड़ा डिस्कस करते हैं। एग्जोथर्मिक रिएक्शन ताप निकासी क्रिया, तो ये वो रिएक्शन आ जिस विच उत्पाद दे नाल नाल ताप ऊर्जा भी पैदा हुंदी है। मीनस टू से अपने कोले प्रोडक्ट तो बनता ही बनता वा, उन्दे नाल अपने कोले हीट भी बाहर निकलती आ, तो उस रिएक्शन नूं आपां की कहने आ एग्जोथर्मिक रिएक्शन, ताप निकासी क्रिया। सेम एग्जाम्पल ही दोबारा लिखी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, मीनस टू से इन्दे विच हीट की आ बाहर निकली आ, इट मीनस ए रिएक्शन कि एग्जोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी। नैक्सट एग्जाम्पल आ रेस्पीरिएशन रिएक्शन। तो जो आप चैप्टर स्टार्ट किया थोड़िया जी आप डेली लाइफ के नाल रिलेटड एग्जाम्पल्स लिया सी, उन्होंने ही सी एक रेस्पीरिएशन। तो रेस्पीरिएशन जी रिएक्शन आ वह एग्जोथर्मिक रिएक्शन आ। तो आप कि दसागे कि जी रेस्पीरिएशन रिएक्शन आ वह एग्जोथर्मिक रिएक्शन आ। तो आपू ज्योंदे रहन दे लई आपां खाने की जरूरत पैंदी आ, आपां खाने आ सारे फूड खाने आ, ठीक है जी। फिर वो डाइजेस्ट हुंदा वा फूड। तो जदों आपां फूड खाने आ डाइजेशन दे दौरान जदों फूड ने पचना हुंदा वा डाइजेशन होनी हुंदी आ, तो जिहड़ा फूड आ वह सिंपलर सबस्टांस दे विच टुटन लग जांदा वा, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच टुटन लग जांदा कि नवें पदार्थ बनन लग जांदे आ। तो जो आप राइस पटैटो जां ब्रैड कोई भी एवें दी ईटेबल जिंदे विच कार्बोहाइड्रेट हुंदा वा तो आप खाने आ, तो जो कार्बोहाइड्रेट आ वह ग्लूकोज दे विच ब्रेकडाउन हो जाता वा। कार्बोहाइड्रेट कदे विच कन्वर्ट हो जाता वा ग्लूकोज दे विच। तो आपनू ए वी पता कि आप सा लैने तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं अंदर लेके जाने, तो आप जिहड़ा खादा फूड उन्दे उपचों की बनी ग्लूकोज बनी। तो जिहड़ी वह ग्लूकोज आ वह ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट कर गई। ऑक्सीजन केड़ी जिहड़ी आप इनहेल की, तो ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट कर गई। तो इन्हें की दिती एनर्जी प्रोवाइड दिती, एनर्जी पैदा की। तो इट मीनस इन्हें विचों की बार निकली आ एनर्जी, एनर्जी भी तो एक तरह की हीट आ। तो इट मीनस एस्पीरेशन केड़ी रिएक्शन आ एग्जोथर्मिक रिएक्शन आ, ताप निकासी क्रिया। दोबारा फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा रेस्पीरेशन आ जिहड़ी उन्दे विच ग्लूकोज ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी दिंदा वा। एनर्जी आ जिहड़ी वह बाहर निकलती आ, इट मीनस ये रिएक्शन केड़ी आ एग्जोथर्मिक रिएक्शन आ, ताप निकासी क्रिया। फस्ट टाइप सी कंबीनेशन रिएक्शन। हुण आपां सैकेंड टाइप डिस्कस करनी आ डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन क्रिया। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की हुंदी आ, कंबीनेशन रिएक्शन दे ऑपोजिट आ। कंबीनेशन रिएक्शन दे विच दो जां दो तों वध चीज़ां मिलके एक नवी बनांदे सी पदार्थ। इहदे विच की होगा, एक पदार्थ होगा वह टुट के दो जां दो तों वध पदार्थ बनाऊ। घटन क्रिया डीकंपोजिशन रिएक्शन ओ क्रिया जिस विच अकला पदार्थ अपघटित होके दो जां दो तों वध पदार्थ बनांदा है। तो जिस रिएक्शन दे विच एक सिंगल सबस्टांस है जिहड़ा एक सिंगल रिएक्टेंट वह दो जां दो तों वध सबस्टांस बनावे, प्रोडक्ट बनावे, उहनूं आपां की कह दिंदे आ डीकंपोजिशन रिएक्शन अपघटन क्रिया। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाइमस्टोन चूने का पत्थर, जो इन आप हीट करते हैं तो की बनता वा कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्विक लाइम को आप कहने अणबुझिया चूना। तो इन्दे विच की आ इत्थे आप हीट दिती आ, जो आप पहला रिएक्शन कीती सी उन्दे विच हीट इवोल्व होई सी, बट इन्दे विच हीट दिती आ तो फिर उन्दे ऑपोजिट होगी। तो इस तरह दीयां रिएक्शनस जिन्हां दे विच आपां हीट बाहरों दिने उन्हां नूं प्रोवाइड करते हैं उन्हां रिएक्शनस नूं की बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शनस, ताप सोखी क्रिया। तो वह रिएक्शनस जिन्हां दे विच हीट दिती जांदी आ, अबजॉर्ब हुंदी आ हीट, जां आपां कह सकते हैं कि ऊर्जा ताप ऊर्जा सोखित हुंदी आ, तो उन्हूं आपां की कहने आ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होर इहदी एग्जाम्पल 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट दे विच जदों आपां रखदे हां तां इहदे विच कन्वर्ट हो जांदा सिल्वर दे विच प्लस क्लोरीन गैस। इहदे विच भी सनलाइट दित्ती आ, मीनस टू से इहने हीट अबजॉर्ब कीती आ, तो यह रिएक्शन भी किहड़ी रिएक्शन अपने कोल एग्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इहदे विच रिएक्टेंट किन्ने आ वन, बट प्रोडक्ट एक तो ज़्यादा वा, इट मीनस ये रिएक्शन भी कड़ी आ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शनस डीकंपोजिशन रिएक्शनस भी ने, नाल
एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी ने। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नू थोड़ा होर डिस्कस करते हैं। ताप सोखी किरिया जिस विच ताप ऊर्जा सोखत हुंदी है, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो रिएक्शंस वो क्रियावां जिन्हां दे विच ताप ऊर्जा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हुंदी आ, तो उन्हां रिएक्शंस नूं आपां की कहिंदे आ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, दोबारा एग्जाम्पल रिपीट की हुई आ जिहड़ी डीकंपोजिशन रिएक्शन दे विच सी, उन्हों हीट करते हैं तो अपने को आता वा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम सेकंड टू ए जी सी एल सिल्वर क्लोराइड सनलाइट दे विच रखते हैं तो वह ग्रे कलर दे विच कन्वर्ट हो जाता वा सिल्वर मेटल देने दे लई, टू ए जी प्लस सी एल टू। थर्ड वन टू ए जी बी आर सनलाइट की प्रेजेंस दे विच इनू रखते हैं तो कन्वर्ट कादे विच होगा ए जी सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ये जिहड़ियां दोनों सिल्वर वालियां रिएक्शनस आ ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी दे विच यूज़ हुंदियां। तो ये तीनों रिएक्शनस केड़ियां रिएक्शनस आ, एंडोथर्मिक रिएक्शनस भी ने ते डीकंपोजिशन रिएक्शनस भी ने। थर्ड टाइप इज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन क्रिया। डिसप्लेसमेंट का मीनिंग हुंदा वा कि एक प्लेस की जगह कोई होर आ जानी, जां आपां कह सकते हैं कि एक्सचेंज हो जाना। तो डिसप्लेसमेंट रिएक्शन केड़ी रिएक्शन होवेगी जदों एक तत् दूजे तत् नूं उस दे यौगिक दे विच्चों विस्थापित कर देवे, तो उस क्रिया नूं आपां की कहांगे विस्थापन क्रिया डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। जो कोई भी एक एलीमेंट जां आपां एक एटम किसी होर एटम नूं होर एलीमेंट नूं उंदी कंपाउंड दे विच्चों डिसप्लेस कर देवे तो उस रिएक्शन नूं आपां की कहांगे डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इस रिएक्शन दे विच की आ कि अपने कोले साल्ट सी कॉपर सल्फेट, एक्वेस दा मीनिंग के वाटर दे विच डिसॉल्व कीता होया वा कॉपर सल्फेट नूं। तो कॉपर सल्फेट दे विच जदों आपां आयरन मैटल पाउंदे आ, आयरन दी कोई भी चीज़ पाउंदे आ, तो आयरन आ जिहड़ा उह कॉपर नूं डिसप्लेस कर दिंदा वा। पहलां एसओ फोर दे नाल की सी सी यू, बट इहदे विच एसओ फोर दे नाल की लग्गिया होया आयरन। इट मीनस के आयरन ने कॉपर नूं डिसप्लेस करता ते आयरन कॉपर दी प्लेस ते चलिया गया। जदों भी डिसप्लेसमेंट रिएक्शन होनी हुंदी आ तो जिहड़ी ज़्यादा एक्टिव मैटल आ वह लैस रिएक्टिव नूं डिसप्लेस कर सकती आ। इट मीनस जिहड़ा आयरन आ वह अपने कोल की आ ज़्यादा एक्टिव मैटल आ एज़ कंपेयर टू कॉपर। तो इस एक्टिविटी नूं करन दे लई रिएक्शनस नूं परफॉर्म करन दे लई आपां की एक टेस्ट ट्यूब जां फिर एक बीकर लवांगे जिंदे विच आपां कॉपर सल्फेट दा सल्यूशन लवांगे। कॉपर सल्फेट दे सल्यूशन दे विच आपां आयरन दीआं नेल्स डिप करांगे, तां आपां थोड़े टाइम बाद की देखांगे कि जिहड़ा कॉपर सल्फेट दा ब्लू कलर सी उह फेड होण लग जूगा, उह चेंज होण लग जूगा। इट मीनस किहड़ी रिएक्शन हो गई अपने कोल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दोहरी विस्थापन क्रिया। सिमिलर ला डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दे, बट उन्दे विच एक एलीमेंट डिसप्लेस होया सी, इन्दे विच जिवें दे नाम तो क्लीयर हो रहा वा कि इन्दे विच दो सबस्टांस जो आ डिसप्लेस होणगे एक्सचेंज होणगे। तो इहनूं आपां किद्दां डिफाइन करांगे, दो वक्ख वक्ख परमाणुआं दे समूहां जां परमाणुआं दी आपस विच अदला बदली हुंदी है। तो दूरी विस्थापन क्रिया दे विच की हुंदा वा कि दो डिफरेंट अपने कोले मोलीक्यूल्स हुंदे आ, उहदे विच दो एलीमेंट्स आ जिहड़े एक्सचेंज हुंदे आ, तां उहनूं आपां की कहांगे डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दोहरी विस्थापन क्रिया। फॉर एग्जाम्पल
Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड गिव्स अस बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इन्दे विच आपां की देखांगे कि पहला SO4 आ जिहड़ा उन्दे नाल की सी सोडियम Na, बट प्रोडक्ट दे विच SO4 दे नाल की आ Ba, इधर क्लोरीन दे नाल बेरियम सी बट इधर क्लोरीन दे नाल की आ सोडियम। इट मीनस जो सोडियम आ एंड बेरियम ये दोनों एक दूसरे दे नाल एक्सचेंज हो गए डिसप्लेस कर हो गए, तो इन्हां नूं आपां की कहांगे डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज इन्हां दे विच दो एलीमेंट्स आ जिहड़े ओह डिसप्लेस होए ने, तो डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन दे विच जो अपने कोले BaSO4 आ ये वाइट कलर दे PPTs बनणगे जो कि इनसोल्यूबल होणगे, तो इन्हां नूं आपां प्रेसिपिटेट जां फिर अवक्षेप बोलदे आ। तो इस टाइप दियां रिएक्शनस नूं प्रेसिपिटेशन रिएक्शनस बोलदे आ। इट मीनस जो अपने कोले रिएक्शन आ ये डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन भी आ एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आ। तो हुण आपां हुण तक की कीता वा चार टाइप्स दियां केमिकल रिएक्शनस कीतियां ने एंड उन्हां दे विचों दो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शनस कीतियां। फर्स्ट अपने कोले की सी कंबीनेशन रिएक्शन। कंबीनेशन रिएक्शन की सी कि जिंदे विच दो जां दो तो ज़्यादा सबस्टांस कंबाइन होके एक न्यू सबस्टांस बनाउणगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाउणगे। सेकंड सी डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो कि कंबीनेशन रिएक्शन दे ऑपोजिट सी। डीकंपोजिशन रिएक्शन दे विच एक सिंगल जो अपने कोले रिएक्टेंट होवेगा और डीकंपोज हो जाएगा दो जां दो तो ज़्यादा सबस्टांस दे विच। इट मीनस के डीकंपोजिशन दे विच एक रिएक्टेंट होवेगा एंड प्रोडक्ट जो वो एक जां दो तो ज़्यादा होंगे। थर्ड डिसप्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन क्रिया। इन्दे विच की होवेगा कि दो एलीमेंट डिसप्लेस होंगे एक दूसरे दे नाल। मीनस टू से कि डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दे विच जड़ा एक एलीमेंट आ वो दूसरे एलीमेंट नू उन्दे ही कंपाउंड दे विचो डिसप्लेस कर देगा। सेकंड डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, एंदे विच दो चीज़ां डिसप्लेस होणगियां। कल्ली डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दे विच जस्ट एक एलीमेंट डिसप्लेस हुंदा वा, जां आपां कह सकदे हां कि करदा वा उन्हों दूसरे उन्दे कंपाउंड दे विचों। बट डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दे विच वो दोनों एक दूसरे दे नाल एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इन्हों आपां डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उस तो बाद आपां एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शनस थोड़ा जिहा रिवाइज़ करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ताप निकासी क्रिया जिंदे विच जो रिएक्शन होंदी आ तां हीट इवॉल्व होंदी आ, ताप ऊर्जा बाहर निकलती है, तो उन्होंने आपां की कहने एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड रेस्पिरेशन की आ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ताप सोखी क्रिया, वो क्रिया जिस विच ताप ऊर्जा सोखित होंदी आ। मीनस जो से कि जिंदे विच हीट एनर्जी अबजॉर्ब होंदी आ, तो उस रिएक्शन आपां की कहने ताप सोखी क्रिया। उम्मीद करती हाँ कि तुहानू अज वाला टॉपिक समझ लग्या होवेगा। इस सारे टॉपिक नूं तुसी आपदी बुक तो एक बार पढ़ना हुआ एंड दैन रिवाइज़ करना।